अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड्स। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि सॉलिड्स किसे बोलते हैं। हमारा जो मैटर है उसे हम फिजिकली प्रॉपर्टीज की बिना पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, नंबर थ्री गैस फॉर्म। और हम इसमें से बात करेंगे सॉलिड फॉर्म की। तो सबसे पहले हम सॉलिड को डिफाइन करेंगे। सॉलिड की डेफिनेशन है, कहता है अ रिजिड एंड हार्ड सब्सटेंस विद डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी सब्सटेंसेस जो एक डेफिनेट शेप रखती हो, डेफिनेट वॉल्यूम रखती हो इन वाइब्रेशनल मोशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं सॉलिड। और उसकी एग्जांपल्स है हमारे पास NaCl है, शुगर है और ग्लास। तो सॉलिड्स की कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज हैं और वो प्रॉपर्टीज ये हैं। नंबर वन शेप, शेप इसकी डेफिनेट होती है। और उसके पास उसके बाद है नंबर टू वॉल्यूम, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि हमारे पास ये व्हाइटबोर्ड मार्कर है, इसकी एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो हम इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, इस इतना हम शेप को चेंज कर सकते हैं। नंबर थ्री हमारे पास है इंटर पार्टिकल फोर्स। इसकी जो इंटर पार्टिकल फोर्स होती है वो वेरी स्ट्रांग होती है, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो वेरी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ वेरी स्ट्रांगली जकड़े होते हैं और वो मूव नहीं करते। और नंबर फोर है इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल यानी कि जो पार्टिकल्स जिन पार्टिकल्स के जरिए ये जुड़े आपस में मिले होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म सॉलिड शक्ल इख्तियार करते हैं, उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो बिल्कुल कम होती है। और इसके बाद नंबर फाइव है हमारे पास डेंसिटी। जब इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम होगी पार्टिकल्स के वेरी क्लोजली बैंड होने की वजह से, तो इनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। उसके बाद नंबर सिक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं, उसको हम ना तो मूव करवा सकते हैं ना ही हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। अब देखें इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बॉन्ड है और एक खास डेफिनेट शेप तैयार की हुई है, इसको हम ना बेंड कर सकते हैं ना कंप्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर सेवन है रिजिडिटी। डेफिनेट वॉल्यूम और शेप की वजह से इनकी जो रिजिडिटी होती है वो वेरी हाई होती है। उसके बाद नंबर एट है काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी लो होती है। जब वे ये वाइब्रेशनल मोशन करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव होने की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो वो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं वेरी लो काइनेटिक एनर्जी ये रखते हैं। उसके बाद सॉलिड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन क्रिस्टलाइन सॉलिड और नंबर टू अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं और उसके बाद अमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को।